कैसे हो यार? देखो, अभी मैं बोला ना, हर वीक में एक एक वीक में एक वीडियो ऐसा आएगा, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार। तो आज का सीन ये है कि आई एम लिविंग टोरंटो, मैं छोड़ रहा हूँ यार, आई एम मूविंग टू हैमिल्टन, इसीलिए ये ट्रक लेके घूम रहा हूँ। मैं बस कल्पना का वेट कर रहा हूँ, कल्पना को लेने आ रहा हूँ। ये कल्पना का घर है यहाँ पे। भाई, मैं ट्रक चलाने लगा हूँ यहाँ पर इतने अच्छे मौसम में कहाँ। आज हम GMC चलाएंगे, आ जाइए। कैश आ गए हैं मुझे मेरी हेल्प करने के लिए मूविंग में। अच्छा लग रहा है। अच्छा प्लेजर। मैं जा रहा हूँ तो साल तेरे को अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब वो ब्लॉग में दोबारा मजदूरी करते हुए थोड़ा। डन, सामान मेरा यहाँ पे। ये पता नहीं क्या घर के अंदर जाके खा ले भाई, ऐसा बाहर गरीबों की तरह खाना जरूरी नहीं। डैम भाई, विल मिस यू पाल। ऐसा है कि वी आर इन हैमिल्टन फाइनली। अभी मेरे को बस कॉफी लेना है क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़ा सा प्यास लग गया था, इतना ड्राइव करके थक गया था मैं। स्मार्ट बहुत है ना, पानी रखा था गाड़ी में। एक मूविंग करते करते भी पता वो लग गया, थक गया। मूवर है जी। अरे मूवर है जी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट पाथ। कॉन्टैक्ट पाथ कभी दिखेगा नहीं आपको। मैंने सारा कर दिया है मूव, थैंक्स टू माई ब्रदर ओवर देयर। इसने तो कुछ एक एक सामान नहीं उठाया, इसने एक सामान उधर भी मेरा यश ने हेल्प किया। अब बस सुकून की लाइफ जीना है यहाँ पे। तो इन जैसों का कॉल ना आ जाए या एकदम बहुत दिक्कत हो गया, जल्दी आ जाओ। बस तब तक जिंदगी ऐसे सुकून में जीती रहेगी। चलो, मैंने एक्सपीरियंस कभी किसी को शायद शेयर नहीं किया, मैं आज कर रहा हूँ व्लॉग पे। ये भी बोलती रहती थी लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी बताया नहीं, बट मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो जिसको नहीं पता है, मैं रात के 2 बजे या 3 बजे इसी के साथ मैं जिम करता हूँ, और इसी के साथ मैं जिम करके आ रहा था। आगे का स्टोरी आप बताना चाहेंगे? तो मैंने इसको बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं ऐसे घर से कैब कर लेता हूँ। इसने बोला नहीं, कैब करने की क्या जरूरत है, पैदल जा कार्डियो हो जाएगा। मैंने बोला था। इसने सेम चीज़ बोला था इसने कि पैदल जा कार्डियो हो जाएगा। देखो ओके, मैं पैदल जा रहा हूँ। एक बंदे ने मेरे को लूट लिया, उसके पास गन था ऑब्वियसली, तो ये सब चीज़ हुआ। मेरी पुलिस का केस फेस भी किया मैंने ये बहुत बार बताने की कोशिश की थी लेकिन मैंने मैंने बताया नहीं। मैंने मतलब बहुत बार सोचा कि बताती हूँ कि क्या हुआ। बहुत सीरियस सा सीन हुआ था। इसको गन पॉइंट पे रख के बंदा बोलता है फ़ोन निकालो, गिव व्हाटएवर यू हैव। तो यस, यही सीन हुआ। तो उसने मेरा फ़ोन दिया, सब कुछ दे दू दिया, घर पे लैपटॉप से जाके मेरे को कॉल करके बता रहा है। भाई और क्या ऑप्शन था मेरे पास। शुक्र माना कि मैं कॉल कर रहा था, फिर इन लोगों ने कॉप्स ऑफ्स को बुलाया। तो यार स्कार्बरो में वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एक और दोस्त को मेरा कर लिया था, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में शूटिंग वूटिंग भी हुई थी, गैंग वॉर हुई थी। अभी भाई हम लोग इतना हंस हंस के बता रहे हैं लेकिन उस टाइम की सिचुएशन जैसी थी, वो बड़ा सीरियस सा सीन था। तो यार इसीलिए टोरंटो अब सेफ नहीं है इतना जितना पहले होता था। गाड़ी की चोरी, ये वो फलाना ढिमकाना। ओ गजब भाई गजब, जिम जा रही है, साथ में ही आते थे, मैंने ही बनवाया है इसके। आजकल बता नहीं रही, ट्रेनर का नाम नहीं बता रही है गाइस। फाइनली हम मूव कर चुके हैं, अब भी मेरे को वापस जाना है क्योंकि गाड़ी मेरी वहीं पे। यार मेरा प्लान नहीं था, इनका प्लान है चर्च 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 जाने का, चर्च चिकन जाने का। तूने आज तक खिलाया मेरे को? तूने आज तक तूने आज तक ये ना अभी मेरे को मार रहा था। एक मिनट, मार नहीं रहा था मेरे को, पहली बार तू मेरे को मारती रहती तो मैं ऐसा कर रहा था। मैंने कभी भी नहीं मारा। कैमरा एंगल में आगे बोल, ऐसे ऐसे मत बोलो, पब्लिक नहीं सुनती। गंदे लोगों की शक्ल गंदी जाती है। एनीवे गाइस, तो ना मैं अभी इसको ऐसे ही मजाक में ऐसा कर रहा था, तो जो मैं अभी ऐसा बना बता रहा आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मेरे भाई ने बोला कि काले को सामने, मतलब उसको तो मार नहीं पाया, इसको मार रहा है। तो अभी मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ बेइज्जती ही नहीं भाई। इसके पास गन था, तेरे पास है, पंजाब में होगा ना। एंड वेलकम टू टोरंटो यार, इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की मैं टोरंटो छोड़ रहा हूँ। कल्पना जी हमारे यहाँ पे बेचारी थोड़ी सैड बैठी है। कोई नहीं, कल्पना घर ढूंढ साथ में, कोई ऐसा बड़ा सा, मैं तू यश तीनों फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। कि भाई 100 के ऊपर जब भी जाती है ना किलोमीटर, ये मत देखना ये माइल्स में नीचे किलोमीटर्स में वहाँ पे, तो वो 100 के ऊपर जब भी जाता है ना, वो बोलता है तू पीछे बैठ जा, मैं खुद से चलाऊंगा गाड़ी। ठीक है, वो लेजिट वो बोलता है कि हाँ, बोलती सेफ ड्राइव करूंगा, तू बैठ, मैं खुद से लेफ्ट राइट हर जगह जहाँ जाना है मंजिल से एकदम सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा जहाँ तू बोल। मैं क्या बोलूं भाई, 5 मिनट का ड्राइव है जहाँ मैं 2 घंटे बाद पहुंचूंगा, क्या ही बोल सकता हूँ मैं। कल्पना जी, इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी आपको एक दो दिन में, बहुत बहुत ज्यादा। पाकिस्तान दिख रहा है मुझे, इंडिया नहीं दिख रहा है। इंडिया सामने थे। ओके ओके, लास्ट में था। यार
यार लफड़ा हो गया, गाड़ी लौटाने आए थे ये ट्रक इसकी, और ये साला है ही नहीं। पहले पूछना चाहिए ना कब क्लोज होता है। अब चलो गाइस वापस, मेरी ट्रक वहाँ पे खड़ी है, ट्रक लेते हैं चलते हैं। कल्पना अगर गिरी तू, इसीलिए गाइस बच्चों को साथ में कभी भी लेके मत आओ, मत आओ प्लीज। हमें भी पता चला है कि हम यहाँ पे चीज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हिच इज सुपर कूल। कैसे कैसे करके यार, पता नहीं क्या उसका ड्रामा इतना सारा, ये इसका फोटो लो उसका, भाई क्या स्काई का व्यू आ रहा पीछे पूरा, बहुत जबरदस्त। अब हमें घर जाना है, घर से मुझे अपनी बेबी को देखना, बेबी यानी कार, तुम लोग ऐसा मत समझना गलत। क्या बना रहा यार? ये मेरा पर्सनल शेफ था, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब यश ने मेरे लिए कितने मील्स प्रिप किए हैं। ऑब्वियसली दिस इज द प्यार भाई, सुबह से यहाँ एक तो 4 बजे से उठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, एंड देन फिर मैं यहाँ पे हैमिल्टन। और सुनो, थके थकने के बाद भी हम अभी घर नहीं आ रहे हैं, नो 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 नो, हम जा रहे हैं यूनियनविल ऐसे ही बस ड्राइव पे। भाई एंड भाई सुबह से वो गंदा ट्रक चला चला के फाइनली बढ़िया स्काई सही में, वो इमोजी कैसे होता है ऐसे ना, कैसे थोड़ी गेड़ी मारा जाए यहाँ पे, एंड देन यहाँ से फिर हम चलेंगे। तू भी गई थी ना मेरे साथ, ये भी तो हम लोग हैमिल्टन गए, हैमिल्टन है दूसरे कोने में कनाडा के, हम अब आ गए दूसरे कोने में, मतलब सुबह से हम घूम रहे हैं। रंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही, सिंदू है क्या ब्लैक वाली का पता नहीं, सिर्फ पास जाके देखते हैं क्या, लाइटें चल रही हैं बस ये दिख रहा है मुझे। एक तो विंटेज कार लग रही है मेरे को, मुड़ गई गाड़ी, पूरी फ्लिप हो गई है, और वो यार बंदे बंदे सही है, ठीक है, गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे सारे। 11 बजे वो बड़ी 11 बज गए, ओ भाई सो जाता हूँ भाई, सो जाते हैं क्योंकि ऐसा कल भी मेरे को निकलना है भाई, फाइनल फाइनल। बात कर पहली बार तनिषा जी ब्लॉग में आ रही है मेरे, मैं कितना ब्लॉग डिलीट करना पड़ा है कल पर तनिषा के, क्योंकि मेरे ब्लॉग में तनिषा थी नहीं इसलिए मैंने, मेरे ब्लॉग में थी नहीं तनिषा इसलिए मैंने किया। गाइस जिंदगी बहुत अजीब हो जाएगी। वेजिटेरियन फ्रेंड रिया, अगर केक में एग होगा तो खा लूंगी और अगर ऐसे एग होगा तो नहीं खाऊंगी। आई एम ट्यूजडे विनर, ये ट्यूजडे विनर है, सैटरडे इसको ये सच कर दी। कल पे बाय बाय, चेक किया है, आई सी यू, बाय बाय सर। तो जाए इस घर को, अब बस कल्पना को छोड़ना है मेरे को, एंड देन यही बैठ के रोना शुरू कर दे। चलो रियल टॉक गाइस,
ऐसा लगता है आदमी को कि भाई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, बट पड़ता है यार। अब आप जब आते हो सब कुछ छोड़ के, तो आपकी यहीं पे फैमिली बन जाती है बेसिकली, आपके दोस्त होते हैं, आपकी हर कुछ यार, आपके हर दुख सुख में सब में साथ रहते हैं, तो आपके दोस्त बन जाते हैं, फैमिली बन जाती है। एंड जब आप उनको छोड़ कर कहीं और जाते हो तो थोड़ा दुख होता है, जो भी सबको हो रहा है यहाँ पे, कल्पना भी इसको भी दुख हो रहा है। ठीक है यार, ऐसा बहुत दूर नहीं रह रहा हूँ, अगल बगल ही में रह रहा हूँ अभी, बस कल्पना को छोड़ा जाए। एंड देन आई थिंक इट्स हार्ड टू बी ऑनेस्ट।